केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने ललितपुर में केंद्रीय विद्यालय भवन का लोकार्पण किया और बुंदेलखंड जल संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया। इस कार्यक्रम में बुंदेलखंड में गिरते जल स्तर को बढ़ाने और सिंचाई के साधन जुटाने के लिए कार्य योजनाओं पर जोर दिया। उमा भारती ने कहा कि वैज्ञानिकों की टीम ने भूगर्भ जल एवं जल की गुणवत्ता की जाँच कर एक मैप तैयार किया है। जलाशय के भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने 77,000 करोड़ का बजट दिया है। इन योजनाओं से 3 साल बाद बुंदेलखंड की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी, पूरे 3 साल में कारगर हो जाएगी। और ये वो योजना है जिसमें बड़ी योजनाएं में हम नहीं मान रहे, अर्जुन सहायक को हम इसमें नहीं गिन रहे, हम केंद्रीय को नहीं गिन रहे। इसमें हम हर गांव में जो सिंचाई की योजना है, जो बिल्डिंग ही पड़ी है, अधूरी पड़ी है या पूरा सिंचाई की क्षमता नहीं कर पा रही है, उन योजनाओं को हम 3 साल के अंदर पूरा कर रहे हैं।